नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, सुसाइड के लिए उकसाने के एक मामले में अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवती ने किया था आत्मदाह। गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं ठाकुर। कल गोरखपुर जाने का ठाकुर का कार्यक्रम था। आज अमिताभ ठाकुर एक मामले में अरेस्ट हुए। पुलिस ने सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया था। यूपी पुलिस के दरोगा ने लिखा है एफआईआर। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। गया है पूछताछ जारी। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी पूछताछ जारी की है, उसके बाद तदनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इनको थाने पर ले आया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। एफआईआर के मामले में एफआईआर के बारे में एफआईआर के बारे में एफआईआर इसके पहले जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी अवगत होगा कि एफआईआर लिखा गया है जो एक युवती द्वारा दिल्ली में आत्मदाह किया गया, उस संबंध में एक एफआईआर हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत है। उसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। ये कहा जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में इनको दोषी पाया गया है, जो जांच एसआईटी रिपोर्ट आप लोगों को। मैं उस बारे में कोई, मेरे पास कोई